बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फोर्थ क्लास आपकी बेटा इंग्लिश ग्रामर बुक पर पेज नंबर 6 पर सिनोनिम्स है। सिलेबस आपको बेटा नज़र आ रहा होगा। जुलाई पैक में आपको ग्रामर पोर्शन में जो है सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, जो है जेंडर्स, ये सब कुछ दिया गया है। अब हम बुक से इनको देखते हैं कि आपने क्या क्या कुछ और कहाँ कहाँ तक याद करना है। सबसे पहले आपके बुक पर पेज नंबर 6 पर सिनोनिम्स हैं, ठीक है। हम इनको देखते हैं कि आपके सिलेबस में कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं। आपके ये सिलेबस में पेज नंबर 6 पे अबंडेंस से स्टार्ट हो रहा है और पेज नंबर 7 पर ह्यूमिलिएट तक जो है वो जा रहे हैं। आपने यहाँ तक इन सब को अच्छे तरीके से बेटा याद करना है, इनके मीनिंग्स को पढ़ते हुए और याद रखते हुए, ताकि आपको ये वोकैबुलरी में यूज़ होंगे, ठीक है। आगे पेज नंबर सिनोनिम्स होते हैं बेटा, ये आपके सिमिलर या सेम मीनिंग वर्ड्स होते हैं। मीन्स के अगर आपका एक वर्ड है और उससे मिलता जुलता उसका जो मीनिंग होता है उसको हम सिनोनिम्स कहते हैं। बेटा पेज नंबर 8 पर देखें, आपके पास एंटोनियम्स हैं। एंटोनियम्स क्या होते हैं? ऑपोजिट वर्ड्स। सिनोनिम्स सेम मीनिंग वर्ड्स होते हैं और एंटोनियम्स ऑपोजिट होते हैं, कि मीन्स आपको जो वर्ड दिया गया है आपने उसका ऑपोजिट लिखना होता है। यहाँ पर पेज नंबर 8 पर देखें, एब्सेंस से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और पेज नंबर 9 पर डेंजर जो है वहाँ तक जा रहे हैं। ये आपके सिलेबस में आपको मैंशनड किए हुए हैं कि आपने इतने याद करने हैं। एक दो एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। जैसे ये देखें, पेज नंबर 8 पर एब्सेंस है। एब्सेंस का क्या मीनिंग होता है? गैर हाजिर। और इसका एंटोनियम हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंस, कि कोई बंदा हाजिर है। या स्कूल के अंदर जैसे कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट होते हैं, कुछ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। आप किसी की इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हो, कबूल करते हो, उसको हम एक्सेप्ट बोलते हैं। और अगर आप रिफ्यूज़ कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो, तो उसका एंटोनियम रिफ्यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरीके से अप्रूवल है, कि कोई मंजूरी किसी बात की देना, और डिसअप्रूवल नामंजूरी करना। ये बेटा सारे आपके पास एंटोनियम्स हैं जिनको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे इनके मीनिंग्स के साथ। आगे पेज नंबर 24 पर देखें, आपके पास जो है ये नंबर्स हैं। यहाँ पर ग्रामर वर्क में देखें, आपके पास जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है, आपको नंबर्स दिए हुए ग्रामर में, ऑन टू बेबी, पेज नंबर 24 पर, ठीक है। पेज नंबर 24 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर बेबी तक बेटा आपको दिया गया है। पेज नंबर 24 मीन्स आपका पूरा बन जाता है। आप इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस आपने रिटर्न भी करनी है। आगे जो है जेंडर्स, आप लोग देखें आपके पेज नंबर 28 पर लास्ट में देखें, जेंडर्स जिसको हम मैस्कुलिन और फेमिनिन भी बोलते हैं, बॉयज से स्टार्ट हो रहे हैं और इसका फेमिनिन गर्ल होता है। ये वाला पूरा पेज है। आगे पेज नंबर 29 के लास्ट तक देखें, लेड लड़का और लेस गर्ल, ठीक है। यहाँ तक आपका आएगा, यहाँ तक आपके जेंडर्स हैं। इनको भी सबको अच्छे तरीके से आपने याद करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गए होंगे पेज नंबर 12। ओके, अल्लाह हाफिज़।